एक स्पीकर बात करने के टाइम पे बोले, हमारे तरफ से लेट नहीं हुआ, मैं 4 बजे से पीछे पड़ा हूँ, अगर आदमी आए तो मैं आके बात करूंगा बोल के। एक एक आदमी बात कर रहा है, सबको काम है, करेक्ट है, सबका वक्त इम्पोर्टेंट है, हम इज्जत देंगे सबको, सबका टाइम को भी वैल्यू करेंगे। तो मैं 2 मिनट में मैं कंप्लीट करता हूँ। पहले मैं इतना बड़े गैदरिंग यहाँ आके टाइम लेके आपका हमारा इन्विटेशन में आप लोगों आइए इधर, मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपके लिए टाइम निकाल के यहाँ आके। हमारे को ये रोड किधर से किधर है, कितना लोगों कहाँ से निकलता है, और ये रूट में आप कब निकलेंगे, कब हम लोग चितल मेट रोड कब क्रॉस करते, पीडीपी से चितल मेट तक कब तक होता, वो पूरा देखे तो ही ट्रैफिक वाले से हम लोगों ट्रैफिक रेगुलेशन कर सकते। अभी कोई सा भी प्रोग्राम हो, गणेश हो, नहीं तो ये हो, शिक्षा होने का हो, कुछ भी है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, पहले एक्सीडेंट फ्री रहना है। हमारा तो एक ही रहता है, एक्सीडेंट नहीं होना हो, वो छोटा मोटा अगर हुआ तो भी हम लोग बाद में भी सुधर सकते हैं, लेकिन एक आदमी का जान इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं इवन 31 दिसंबर को भी फ्लाईओवर भी बंद करके क्यों रेगुलेट करेंगे, एक जान नहीं जाना, नहीं तो कुछ भी एक्सीडेंट, कोई भी घर में तकलीफ नहीं जाना बोल के हमारा पुलिस का और आता। ये भी ये साल भी वो ओवरलैपिंग हुई थी, आपको मालूम, ये कमिटी को मैं भी सब लोगों नमस्कार करते हैं, वो पोस्टपोन कर दिए, वो तो नहीं तो ये बंटिंग्स नहीं तो फ्लैग्स लगाने में इनका फ्लैग लगा हुई रहती, और इनका और एक आदमी भी फ्लैग लगाते, आप लोगों को बड़े लोगों को सबको मालूम 2010 में क्या हुई, कोई भी हमारे को कोई भी नहीं मालूम पड़ता कि एक बच्चा चढ़ के कहां भी एक फ्लैग लगा देते, उससे ही और एक दूसरा ये लगाने में दूसरा फ्लैग छूट जाती है, गिर जाती है, और इश्यू शुरू हुई। जब आप 19th के लिए अगर वो पोस्टपोन हो ना, इसलिए 18th के दिन जो जो मेन रोड पे आप जो करते, आप लोगों का जो ऑर्गेनाइजर्स के साथ अभी नामा मैं लिख लिया और बाद में भी मैं लेता हूँ, इंडिविजुअल मीटिंग और एक बार करते, हमारा सर्किल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आके आप लोगों का जुलूस जो जो आदमी निकलता है वो रूल इंस्पेक्शन भी करते, ये कहाँ भी का मिसकम्युनिकेशन होगा, आप जो लोग करेक्ट बोले, GHMC का एक वाटर का इंतजाम और सैनिटेशन का, ये पूरा लोगों अभी नेक्स्ट मीटिंग में एक 10 मेंबर्स के साथ छोटा सा एक मीटिंग लगा के वो रूट में एक दौरा हम लोग करेंगे, कल ही करेंगे, अगर बाद में 17 के हम भी बिजी हो जाते सीनो, हमारा इंस्पेक्टर्स और कुछ लोग बड़े लोगों आप लोगों का एक 10 लोगों मिलके वो रूट पूरा देख के अगर जो जो कुछ वो इंतजाम करने का है GHM के साथ हम लोगों एक राउंड मारेंगे, जब भी उनका इंतजाम करा देंगे, वो जो कंसर्न ऑफिशियल वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, नहीं तो सैनिटेशन हो। एक अच्छा बात निकाला अभी, हर जुलूस में पुलिस लोगों को जाके यहाँ रखो, यहाँ मत जाओ, यहाँ जाइए, नहीं तो आगे बढ़िए, नहीं तो यहाँ रोको, ट्रैफिक 1-2 मिनट छोड़ देंगे, ये छोटा छोटा ही रहता, लेकिन पुलिस बोलने से भी ना, अगर आप लोगों वॉलंटियर्स बोले तो और अच्छा रहेगा और लोगों को समझ में आ जाता है। पुलिस में भी हम लोगों बहुत लोगों को मैं पहचानता हूँ यहाँ पे, लेकिन कहाँ वो दिन कहाँ से आएगा, बाहर से आते वो लोगों, कोई भी छेवेला से आए या कोई भी नागर का दूर से आते हैं, वो लोग अभी आते हैं सब लोग, वो शहर का यहाँ और ये पूरा सिचुएशन वो लोग नहीं मालूम पड़ता, जहाँ जो अपनी रूरल एरिया से आया और रूरल में अभी भी बात उनका अगर कुछ गलती निकला, बात समझ में नहीं आया, नहीं तो हिंदी बात करने को नहीं आया, उन तेलुगु में कुछ बोल रहा, आप लोगों को हिंदी वो समझ में नहीं आ गया, अगर घुस रहे वो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना बोले तो आपको आप लोगों का वॉलंटियर्स रखे, हम जो पुलिस वाले भी वो वॉलंटियर से ही कोऑर्डिनेट करें तो भी और अच्छा लगेगा। आप लोगों भी जानते हैं गणेश का में सब लोगों से हम बात नहीं करेंगे, वो एक आदमी हर विनायक मंडप पे 1-2-3 नामा लेते, उनके साथ ही हम लोग रहते, जो बोलना उनको ही बोलते, लेकिन सबका वो पीछे जो नाचने वाले वो लोगों को नहीं बोलेंगे ना।
अत्तापुर पीएस के सर्कल इंस्पेक्टर साहब, मेरा बनी सर्कल इंस्पेक्टर साहब और आपके जो राजेंद्र नगर सर्कल इंस्पेक्टर साहब, आयर भाई साहब, नैन भाई साहब और सामने अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है में, ये एक्चुअली 16 तारीख को आ रही थी, लेकिन जो है मस्जिद सज्जाद मुस्लिम के तमाम जिम्मेदार जो है वहाँ पे बड़ी मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग में तय किया गया कि ये जुलूस की डेट चेंज की, इस साल से जुलूस की तारीख को चेंज किया गया और उसी तरीके से वहाँ पे जो जुलूस है मेन जुलूस 19 तारीख के दिन हैदराबाद में जो निकल रहा है उसी तारीख को अपने बाद इंशाल्लाह जुलूस तरीके से निकाला जाएगा। और इसी तरह से मस्जिद मुस्लिम भी जो है 20 तारीख को 21 तारीख को वो भी जो है अपने टाइम को जो है बढ़ा दिए हैं वहाँ पे। तो इसी तरीके से हम सबकी जिम्मेदारी प्रति जुलूस वालों की सबसे पहले जिम्मेदारी है लाइन होने का खास ख्याल रखें और जुलूस जहाँ से भी निकाल रहे हैं वो जो भी जिम्मेदार लेके आ रहे हैं वो बच्चों को तारीख लेके आए, वो बच्चे जो है अक्सर से निकाल के गाड़ी को हॉर्न मार के जो जोर जोर से करते हैं वो मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि जो हुजूर करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो है विलाद का जुलूस है उसमें जो है आदाब को रोज रखना चाहिए। आदाब ऐसे नहीं कि नातिया से हटके नात से हटके कोई दूसरी चीज पुकारा शोर शराबा नारा ये सब गलत है, सिर्फ नाच से भी पढ़ते चले उसके लिए आप खास ख्याल रखें। और आप 12 रुपी लेवल के दिन जो खाना खिलाते हैं उसके लिए इंशाल्लाह ताला कोई पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं साफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई रुकावट ना हो, क्योंकि जो है वो खाना जो है खिला देते हैं अपने अपने मुकामों पर वो खाना खिला लेंगे और आप जुलूस के रहता पब्लिक जो रहती है ज़्यादा जुलूस में वो खाना खाते अपने अपने चले आते हैं। और आप मस्जिदों में जो प्रोग्राम होते हैं वो तो जो है आम बात है, मस्जिद के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती नहीं, तो लिहाजा पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमारी ख्वाहिश है कि जो है बंदोबस्त तो रहता है लेकिन हमारे वॉलंटियर्स अलहमदिल्ला पूरे तरीके से संभाल लेंगे उसको, खाली आपका रात आप रहे तो बस है, हम सब आपके साथ हैं, लाइन ऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।